वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक शेयर के बारे में जिसका नाम है जेट एयरवेज। इस शेयर का जो आज का प्राइस है आपके सामने ही है 75 रुपये 45 पैसे, और आज की जो डे की इसकी क्लोजिंग थी करीब 4.9% इसने पॉजिटिव में अपनी डे की क्लोजिंग दी है। अब इसके ऊपर मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, आप देखोगे लास्ट टाइम, ये देखो मेरा चैनल है, 16 जुलाई को मैंने वीडियो बनाई थी और आप मेरी वीडियो प्ले करके देखना, उस वीडियो में मैंने एक बात बोली थी, जिस दिन इस शेयर ने किसी भी अपनी डे की क्लोजिंग पॉजिटिव के अंदर दी तब आपने इसे ट्रेड करना है। और आप देखोगे 16 तारीख को मैंने वीडियो बनाई थी, 72 रुपये था, उसके अगले दिन भी मतलब 16 को फ्राइडे था, फिर 19 तारीख को जब मार्केट खुली थी तब इसने 68 रुपये तक गया था ये लो में। उसके बाद देखो एक अच्छा इसने अच्छी एक रिकवरी हुई, और उसके बाद लास्ट के जो हमारे 2 दिन हैं उसमें अच्छा खासा पॉजिटिव में अपना इसने ट्रेड किया। अब यहाँ से मुझे लगता है कि शेयर और आगे जाएगा, और शायद आपका जो अपना टारगेट होगा इसके अंदर वो टारगेट के 85 रुपये प्लस तक भी ये शेयर जा सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर, अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हो। और जैसे भी कभी भी अगर शेयर आप देखोगे लास्ट के इसने करीब 19 तारीख के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी करी है, 20 तारीख को ये शेयर गया था 71 रुपये 90 पैसे, फिर आज के दिन गया 75 रुपये 45 पैसे। अब अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, अगर आप इसमें बाय करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू टेक्निकल इंडिकेटर, इस समय बहुत सही टाइम है, और हमें अपना SL रखना है 68 रुपये पे, SL रख के इसे आप ट्रेड कर सकते हो, कोई इशू नहीं। और क्योंकि अब इसे सपोर्ट मिलेगा, एक शॉर्ट टर्म का सपोर्ट है 85 रुपये के ऊपर सस्टेन होएगा, फिर आराम से आपको ये करीब 90-95 रुपये तक शेयर जाता दिख सकता है, पर यही कंडीशन रखना आप। इसमें अगर आप बाय करोगे इसमें तब तक प्रॉफिट बुक ना करना अगर किसी भी दिन इसने अपने डे की क्लोजिंग नेगेटिव में दी, और उस दिन आपने इसमें से प्रॉफिट बुक करना है। और डे क्लोजिंग ऐसे जैसे ये एक सीधी लाइन बनी है ना आपके सामने, उसी तरह लाल रंग की मतलब नेगेटिव में अगर सीधी लाइन बनेगी किसी भी दिन, उस दिन आपने इसमें प्रॉफिट बुक करना है। अभी ये शायद 2-3 दिन, शायद ये हफ्ता भी ये पॉजिटिव में रहे, आपको 85 प्लस या 80 प्लस आपको जाता हुआ दिख सकता है इस हफ्ते के अंदर भी, क्योंकि कल फ्राइडे है, फ्राइडे के आसपास शायद 80 रुपये के आसपास इसे जा सकता है, पर नेक्स्ट वीक आएगा जो उसमें आपको आराम से 85 रुपये तक ये जाता दिख सकता है। पर वही अगर किसी भी दिन इसने अगर नेगेटिव में अपनी डे की क्लोजिंग दी और सीधी लाइन बन के अगर ऐसी क्लोजिंग हुई, तो उस कंडीशन में ये हो सकता है कि उस कंडीशन में चाहो तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ उसके बाद एक गिरावट इसमें आ सकती है। अभी का टारगेट जो मैं बता रहा हूँ आपको लास्ट वीडियो में जैसी मैंने बताया था उसी के अकॉर्डिंग इस शेयर ने परफॉर्म किया है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अपना टारगेट। अगर मेरा जो एक शॉर्ट टर्म का टारगेट है 85 प्लस का, क्योंकि यहाँ पर 200 दिन का सपोर्ट है, अगर इसे ब्रेक करेगा तो अगला ये 93 रुपीज़ के आसपास 50 डे का सपोर्ट लेगा, अगर इन दोनों को ब्रेक करता है तब आपको 100 प्लस शेयर ये जाता दिख सकता है। पर अभी का जो हमारा शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो 85 रुपीज़ का है। किसी भी तरह आज के लिए इतना ही, किसी भी तरह की इंक्वायरी हो कुछ हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करो।